कि मुख्यमंत्री की खुद की सीट जो है वो 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 अभी तक क्लियर नहीं है, जीतेंगे कि हारेंगे। चीफ मिनिस्टर सिटिंग 770 वोट से पीछे है, ये आपको दर्शा रहा है कि लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी क्या है। और मैं ग्राउंड से मुझे ये रिपोर्ट आ रही है सुचारिता कि अब सरयू राय के जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है 86 बस्ती के जो बूथ है वो खुलना शुरू हुए, तो ये सरयू राय की अब लीड बढ़ सकती है। जी बड़ी खबर, बहरी खबर ये कि सरयू राय 3,000 वोट से आगे चल रहे हैं, तो रघुबर दास 3,000 वोट से पीछे। प्रदीप आपका सवाल, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सरयू राय से सवाल पूछिए कि हमारे एग्जिट पोल ने, जन की बात और रिपब्लिक के एग्जिट पोल ने उनको कहा था कि वो आगे से बढ़ रहे हैं, उनसे पूछिए उनको क्या लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट हैं। सुचारिता एक खबर ब्रेक करना चाहेंगे, सरयू राय की लीड बढ़ के 4,500 वोट हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि चीफ मिनिस्टर 5,000 की मार्जिन से पीछे है। चीफ मिनिस्टर ऑफ प्लीज इसको फ्लैश करिए, 4,643 नहीं है, जैसा बता रहे 5,000 वोटों की लीड है सरयू राय की, और ये भर पाए इसके संभावनाएं बहुत कम लगती है, यानी रघुबर दास अपनी सीट गवाते हुए नजर आ रहे हैं। सुचारिता अब जी एग्जिट पोल में आप लगातार कह रहे थे कि सीट बड़ी मुश्किल है रघुबर दास के लिए निकालने के लिए, वो हार भी सकते हैं, और वही होता इस वक्त दिख रहा है।